हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में कि सर्वेइंग जो की जाती है कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर सर्वे हम करते हैं। तो हम सब ये जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं, जब भी हम सर्वे पढ़ते हैं सबसे स्टार्टिंग में हमें पढ़ा दिया जाता है कि सर्वेइंग हमें करना चाहिए फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी सर्वे का जो सिद्धांत है वो है फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा है टू लोकेट ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट टू मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि हम सर्वे का जो सर्वेक्षण हम करें तो उसके लिए सबसे पहला हमारा सिद्धांत है कार्य हमें पूर्ण से अंश की तरफ यानी फ्रॉम होल टू पार्ट की तरफ करना चाहिए। दूसरा, किसी भी नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम हमारे पास दो मेजरमेंट होने चाहिए, इन दो मेजरमेंट के रेफरेंस से एक नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम करेंगे। आखिर हमने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों है कि हम सर्वे का जो प्रिंसिपल है अगर उसका उल्लंघन कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? उल्लंघन का मेरा मतलब यहां से यह है कि अगर हम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? दूसरा, अगर हम वर्क पार्ट टू होल करने लगे तो क्या होगा? तो आज की पूरी क्लास में हम ये जानेंगे कि हमें वर्क पार्ट टू वर्क हम वर्क करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर्वेइंग पर। दूसरा, हमें क्यों जरूरी है फ्रॉम होल टू पार्ट में वर्किंग करना, इन सभी सवालों का जवाब हमारे इस लेक्चर में हम देंगे। दूसरा सिद्धांत है कि एक किसी नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण कम से कम दो पॉइंट्स के आधार पर करना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है? हम एक मेजरमेंट के आधार पर भी तो कर सकते हैं। तो इन सभी जो क्वेश्चंस हमारे हैं, हम तो ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हैं ये दो हैं, ये तो हमने सीधे सीधे याद कर रखा है, समझते हैं, लेकिन इनको पूरा डिटेल से समझने के लिए जरूरी है कि आज हमारा आपका जो लेक्चर हमने बनाया है इस लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट देखिए, इसमें हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और दूसरा एक चीज और कि अगर हम सर्वे के सिद्धांत के अनुसार ही अगर सर्वे कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट होंगे, कौन कौन से हमें फायदे मिलेंगे, और अगर उल्लंघन करेंगे इनका, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का उल्लंघन करेंगे, किसी भी सर्वे में इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी बातों पर आज हम इस लेक्चर को इसी पॉइंट्स के मद्देनजर रखते हुए हम इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए इस पूरे लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वे का सिद्धांत क्या है। अब पूरा स्टार्टिंग से हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का मतलब यह है कि सर्वेक्षण का सिद्धांत, यानी सर्वे अगर आप कर रहे हैं तो कौन कौन सिद्धांत आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा यह होगा कि हम कभी भी सर्वेइंग वर्क करेंगे तो उसके लिए हमें फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखें इसमें एक इसके बेनिफिट इसकी जो पूरा समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमें पार्ट टू होल वर्क कर रहे हैं तो देखिए, समझिए पहले होल क्या है और पार्ट क्या है उसको मैं बताता हूँ। सपोज करो कि आपका कोई एक ग्राउंड है और ग्राउंड में दो पॉइंट हैं, एक कोई पूरा ग्राउंड है और उस ग्राउंड में दो पॉइंट है ए एंड बी। तो ये लास्ट पॉइंट है ग्राउंड का, ये हमारा ग्राउंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम ये कहेंगे ये पूरा हो गया होल। अब पार्ट का मतलब क्या है कि छोटे छोटे हिस्से में बांटकर इसको सर्वेइंग किया जाए। तो पार्ट का मतलब ये है कि छोटे छोटे हिस्से में बांटते हुए हम सर्वे करके हम कहाँ पहुँचेंगे, ए से लेके बी तक पहुँचें, इसका मतलब ये हुआ। यानी कि पार्ट टू होल का मतलब ये है कि आप ए से बी तक की क्या करना चाहते हैं, सर्वेइंग। सर्वेइंग का मतलब आप ऐसे समझो कि हम चैन सर्वे करना चाहते हैं और हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तब देखिए पार्ट टू होल का मतलब ये है। मैंने क्या बताया, होल का मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट। एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में दो पॉइंट है, ये ग्राउंड का लास्ट पॉइंट, ग्राउंड का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं ग्राउंड के, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या पार्ट टू होल, यानी हम छोटे छोटे हिस्से में पार्ट एक पार्ट से स्टार्ट करें, चाहे इस पार्ट से इस तरफ चाहे इस पार्ट से इस तरफ, हमने क्या किया पार्ट यानी छोटे छोटे हिस्से में सर्वे करते चले गए और आगे जाके हमने पूरे होल तक पहुंच गए, यानी पार्ट से स्टार्ट किया और होल तक हमने कंप्लीट किया। दूसरा, इसका होल टू पार्ट का मतलब क्या है कि हम सर्वे, पहले हम ये समझ रहे हैं कि सर्वे पार्ट टू होल का मतलब क्या है ना, होल टू पार्ट का मतलब क्या है। होल टू पार्ट का मतलब है कि आप सर्वे इधर से और इधर से, पूरा हो गया होल, होल से स्टार्ट करें और पार्ट की तरफ आए इस तरह से, यानी छोटे छोटे हिस्सों में अंदर की तरफ इस तरह से बने, यानी होल से स्टार्ट करेंगे और पार्ट की तरफ आएंगे, पार्ट मतलब छोटे छोटे पीसेस इस ग्राउंड के, हम उसकी तरफ आएंगे। दूसरा, पार्ट का मतलब क्या है, एक छोटे से हिस्से पार्ट से स्टार्ट करें और होल तक जाएं, यानी कि लास्ट तक आप जाएं, इसका मतलब तो ये हुआ। तो चलो करते हैं स्टार्ट कि पार्ट टू होल हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या, अब हमें इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्ट यहां सर्वे स्टार्ट करना और यहां तक पहुंचना है, यानी पार्ट टू होल पर चलना है हमें। हमने क्या किया, हमने यहां से यहां तक सर्वे किया, चलो यहां
यहाँ से जैसे सर्वे हम स्टार्ट करेंगे, सपोज करो हमारे पास थोड़ी सी एक एरर आ गई, ज़्यादा नहीं बहुत ना के बराबर एरर आई है, और यहाँ पर हमारे ये कोई पॉइंट है सी, कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर सी डैश पॉइंट कोई आ गया, और हमने क्या किया इसका सर्वे करा इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक सर्वे किया। क्योंकि देखिए हम जब उस पॉइंट को टारगेट बना ही नहीं रहे, हम जब इस पॉइंट को टारगेट बना ही नहीं रहे हैं, यानी जो हमारा होल पर पार्ट, जो हमारा होल पर पॉइंट है, यानी पूरे एट लास्ट पॉइंट है, उस पर हम कोई टारगेट ही नहीं बना रहे, हम कहाँ से स्टार्ट करें, पार्ट से, छोटे छोटे हिस्से में पार्ट कर रहे हैं। सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर डिस्टेंस है, और हम यहाँ पर 30 मीटर की चेंज सर्वे कर रहे हैं, तो 30 मीटर की डिस्टेंस हमने ये ले ली, या 20 मीटर की डिस्टेंस हमने ले ली। अब हमें उस केस में इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो लास्ट में यही पॉइंट पर पहुँचना है, हमें इस पद का पता है। अब हम जब यहाँ से सर्वेइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पार्ट से स्टार्ट किया, अब और आगे जाएंगे हम सर्वे करते हुए, तो हम क्या देखेंगे कि थोड़ी सी एरर हमारी यहाँ आ चुकी है, और आती ही है, ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबे पॉइंट्स हों और हम यहाँ से सर्वे करते हो स्टार्टिंग में एरर हमारी स्टार्टिंग में नहीं, तो थोड़ी आगे जाके एरर कहीं ना कहीं हमारी आना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, अब हमने यहाँ से और किया, और यहाँ पर हमने एक और पॉइंट निकल के आया, ये हमारा पॉइंट निकल के आया डी डैश, एक और पॉइंट निकल के आया हमारा यहाँ से, और आगे की तरफ जब हम सर्वे करते हुए गए, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आ गया ई डैश, और इसी दिशा में और आगे चले गए हम, आ गया एफ डैश, और यहाँ पर और आगे चले गए, तो हमें यहाँ पर हम पहुँच गए। देखिए हमें पहुँचना कहाँ था, हमें पहुँचना था होल पर, इस पॉइंट पर, लेकिन अब पहुँच कहाँ गए हैं, यहाँ पर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एरर स्टार्टिंग में आ गई है वो एरर हमारी धीरे धीरे बड़ा रूप लेती चली जाएगी, और होल पर पहुँचते पहुँचते ये एरर हो सकता है अनकंट्रोल्ड हो जाए, हमसे सही ना हो, हमें सर्वे दोबारा करना पड़ जाए। तो यानी हम ये समझ सकते हैं, अब इसी यहाँ पर दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि फ्रॉम पार्ट, यानी छोटे छोटे पार्ट से होल का मतलब क्या था, होल का मतलब था ए एंड बी टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सर्वे करना था, लेकिन हम सर्वे करने के लिए हमने क्या सिद्धांत बनाया कि भाई फ्रॉम पार्ट, यानी पार्ट का मतलब किसी एक हिस्से से आप स्टार्ट करें, यार इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करें, और इस पॉइंट से लेकर आप पार्ट से लेकर होल तक आप जाएंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट तक आप जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक पॉइंट से मतलब है, इस पे इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से। तो हमने फ्रॉम पार्ट होल आगे करते चले गए, तो हमें क्या देखने को मिला कि जो एरर थी हमारी वो क्या होगी, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती गई, यानी जुड़ती चली गई। तो अगर हम इस सिद्धांत का, किस सिद्धांत का, होल टू पार्ट का अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो एरर्स एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, एरर्स क्या होगी हमारी, संचित होती चली जाएगी, घट्टी होती चली जाएगी, और एट लास्ट हम देखेंगे कि एरर का इतना बड़ा रूप हमें मिलेगा कि हम, हो सकता है वो हमारे लिए एक अनकंट्रोल्ड एरर के फॉर्म में बनकर आए। दूसरी बात करते हैं अब, तो इसको समझ में आ गया, अब इसको एक बार और देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए होल टू पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने अब कहा कि भाई हमारे पास दो पॉइंट हैं, यानी ग्राउंड का स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, टोटल हो गया हमारा होल। हम क्या करेंगे, होल से ही स्टार्ट करेंगे सर्वे, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इधर आएंगे और इसके रेस्पेक्ट में इधर जाएंगे। यानी हमने क्या कर रखा है, फ्रॉम होल दोनों की रेस्पेक्ट लिया हमने, फ्रॉम होल कंसीडर किया, और होल टू पार्ट हम इस तरीके से आए। तो हमने क्या किया, इसके रेस्पेक्ट में कोई आगे पॉइंट यहाँ पर डिसाइड किया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी तो एरर आ सकती है, बिल्कुल अभी एरर भी ले लेंगे इसमें, और यहाँ से हमने एक पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट हमने यहाँ लिया। अब देखिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर कितने पॉइंट लिए, मैंने यहाँ पर सी डी ई एफ, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया ये B, और ये हो गया F, और ये हो गया E, और यहाँ पर हो गया F, और यहाँ पर आएगा पॉइंट C, और यहाँ पर पॉइंट आएगा D। अब मैंने एग्जैक्ट क्यों लिया, अब देखो मानते हैं कि हमने यहाँ इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में होल से चल रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट की तरफ सर्वे करते आ रहे हैं, तो होगा क्या, मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट करेक्ट है, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर भी करेक्ट है। आप यहाँ पर पूरा करेक्ट मान लो, अब आगे वाले में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यहाँ पर आप ये भी पॉइंट करेक्ट मान लो, लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ से हमारा पॉइंट गलत आने लगा, यहाँ से और ये वाला पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। तब देखिए होगा क्या, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इसका, हमें बेनिफिट ये मिलेगा, हमने यहाँ पर भी गलती देख ली कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन देखो बी के रेस्पेक्ट में एफ पॉइंट ठीक था, एफ के रेस्पेक्ट में ई पॉइंट ठीक था, लेकिन ई के रेस्पेक्ट में डी पॉइंट सही नहीं है। इसी तरह से ए के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट सही था, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में
डी पॉइंट ठीक नहीं है, लेकिन हमने एक बात तो यहाँ जानी कि बहुत सारा डिस्टेंस तो हम सही मेजर करते आए थे, बहुत सारा डिस्टेंस सही मेजर करते आए, कहीं एक छोटे हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है और इसी हिस्से में उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो यानी कि हमें क्या होगा कि इस छोटे से हिस्से में जो हमारी एरर आई है इस एरर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी हम ये भी कहते हैं इसमें कि लोकलाइज द एरर, यानी इस मेथड से अगर हम होल टू पार्ट कर रहे हैं तो हमारे इसके रेस्पेक्ट में इधर और इसके रेस्पेक्ट में इधर, भाई ये ना इंडिपेंडेंट खींचे जा रहे हैं। कैसे कि देखो ये हमारे कैसे हैं, इसमें इसका सी डैश ए पर डिपेंड कर रहा है, डी सी पर डिपेंड कर रहा है इस पर, लेकिन यहाँ पर एफ कर रहा है बी पर जो एक्चुअल हमारा पॉइंट है, तो हमारे गलती होने के चांसेस कम है। ए सी खींचा जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में तो भी हमारी गलती खींचने के चांस कम है, लेकिन हम ओवरऑल ये तो कह सकते हैं कि एरर तो हो सकता है इसमें भी आए, बट बेटर इससे बेटर हमारा ये हुआ, क्योंकि अगर इसमें एक बार भी एरर आ गई तो वो एरर हमारी बढ़ती चली जाएगी। कारण क्या है कि एक बार ही हमारे पास मेन पॉइंट का साथ था और आगे जैसे बढ़ते चले गए वो मेन पॉइंट का साथ छूट गया और एरर वाले पॉइंट हमारे आते चले गए और लगातार एरर हमारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस मेथड में मेन पॉइंट और ये मेन पॉइंट दो मेन पॉइंट से होल से पार्ट की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इसके कंपैरिजन में एरर हमारी कम आएगी, और अगर आएगी भी एरर तो हम ई एफ के रेफरेंस से, बी एफ के रेफरेंस से, इनके रेफरेंस से इस एरर को यहीं कहीं क्या कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं, इसका स्थानीयकरण कर सकते हैं। तो यानी हमने आज सीखा कि हमें पार्ट टू होल वर्क नहीं करना चाहिए, यानी हमें पार्ट टू होल का मतलब है ये हमारा पार्ट था, पार्ट से होल की तरफ वर्क नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए होल से पार्ट की तरफ वर्क, ताकि हमें जो भी एरर आ रही है उसे लोकलाइज कर सकें, एक्यूमुलेशन जो एरर इकट्ठी हो जा रही है उसको हम दूर कर सकें। तो यानी हम सबसे पहले ही कहेंगे कि इस मेथड्स के सिद्धांत ऐसा करने पर, यानी अगर हम फ्रॉम वर्क वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, बेनिफिट हमें मिलने वाला क्या है, पहला बेनिफिट होगा कि लोकलाइज द एरर, यानी इसका मतलब ये है कि त्रुटि का स्थानीयकरण, यानी जो हमारी त्रुटि आएगी त्रुटि का स्थानीयकरण, यानी उसी स्थान पर उसका हम स्थानीयकरण, हम उसका प्रिवेंशन उसको कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या उसको हम लोकलाइज वहीं के वहीं समाप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, यानी कि त्रुटि संचयन को रोका जा सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि इससे हमारी जो एरर इकट्ठी हो जाएगी उसको हम रोक सकते हैं। तो पहला हमारा क्या था, फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब ये हुआ कि हम एरर को ऐसा करेंगे तो बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, त्रुटि का स्थानीयकरण हो जाएगा। दूसरा प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, जो हमारी एरर्स हैं संचित हो सकती हैं, जैसे एरर इकट्ठी होती होती आगे बहुत बड़ी एरर बन गई, ऐसा इस मेथड में नहीं होगा। तो हमें हमेशा वर्क करना चाहिए फ्रॉम होल टू पार्ट। आगे चलते हैं, टू लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, यानी हम कोई अगर नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम हमें दो मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। कैसे, देखें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने कोई सी पॉइंट निकालना है, आपके पास दो पहले से कंट्रोल पॉइंट हैं, यानी ऐसे दो रेफरेंस पॉइंट हैं जिनकी स्थिति बदलने नहीं वाली है, यानी वो फिक्स पॉइंट है। तो अगर इनके रेस्पेक्ट में अगर हम एक नया पॉइंट स्थान पर तो कैसे करेंगे, तो कम से कम दो मेजरमेंट लेंगे। कैसे, इसमें हम सी ए मेजरमेंट लेंगे, सी बी मेजरमेंट लेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे बाई मेजर्ड सी ए एंड सी बी, यानी हम सी और सी बी दो नापें और इस तरीके से हम नया पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू लोकेट ए न्यू पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टू मेजरमेंट, यानी विद रेस्पेक्ट दो मेजरमेंट के आधार पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, नया पॉइंट की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इसमें हम क्या करें कि ए बी से कोई हमारा वही ए बी कंडीशन हमारे पास पहले से फिक्स्ड है, अब यहां से हम अल्फा एंगल निकाल लें और सी बी मेजर कर लें। तो यहां पर हम कहेंगे एंगल ए बी सी इज मेजर्ड, वो क्या है हमारा अल्फा है, एंड सी बी मेजर्ड, यानी सी बी को और हम मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से दो मेजरमेंट यहां पर भी हो गए, एक तो एंगल की फॉर्म में, दूसरा हमारा लेंथ की फॉर्म में। तीसरा हमारा क्या है कि यहां से हम 90 डिग्री का
ऑफसेट निकाल दें कोई नया पॉइंट स्थापित करने के लिए, 90 डिग्री का ऑफसेट निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यानी हम क्या करें, यहाँ पर कोई पॉइंट डी मान लेते हैं, एक तो सी डी मेजर करेंगे एंड ए डी मेजर करेंगे, ठीक है, और कितना डिग्री का ऑफसेट निकाल, 90 डिग्री का, तो हम सी डी और ए डी मेजर कर लेंगे एंड, या फिर अगर ये नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सी डी एंड बी डी मेजर कर लेंगे, ये दो मेजरमेंट के आधार पर भी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के दो दो मेजरमेंट लेकर और एक नई पॉइंट की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्लास। कैसी लगी आपकी क्लास, आपको ये सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे लेक्चर देखते हैं उनको कैसी क्लास लगती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।